सो ये गैस कैसे हैं, आप सभी आशा करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। जिन लोगों ने एयरटेल का 199 वाला फाइबर 10 Mbps वाईफाई लगवाया है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि 199 वाले प्लान के अंदर जो प्लान हमें मिलता है वो 5 मंथ का मिलता है, यानी कि 5 मंथ का आपको वन टाइम पे करना पड़ता है एक बार में। 5 मंथ चलने के बाद में आपको इस प्लान को रिन्यू करना पड़ता है। अगर आपने रिन्यू नहीं किया टाइम पर तो आपका प्लान जो है वो अपग्रेड हो जाएगा 499 के ऊपर, यानी कि ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको अपने प्लान को खत्म होने से पहले को रिन्यू करना पड़ेगा, और रिन्यू करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। काफी सारे लोगों को जो है ये रिन्यू नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं क्या एरर आता है। यहाँ पर अगर हम एयरटेल ऐप के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम पे करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर जो है रिन्यू का ऑप्शन दिखता है, लेकिन अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये एरर आ जाता है रिट्राई 404 करके। ये एरर सबको देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से हमारा बिल जो है वो पे नहीं हो पा रहा है और हमारा प्लान जो है वो रिन्यू नहीं हो पा रहा है। और अगर ये नहीं हो पाया तो भैया बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओ, क्योंकि आपका प्लान जो है वो अपग्रेड हो जाएगा 499 के ऊपर ऑटोमेटिक। तो अगर हमें इस प्लान को कंटिन्यू करना है तो हमें इसको रिन्यू करना पड़ेगा। कहाँ से रिन्यू करेंगे, कैसे रिन्यू करेंगे, और साथ में यहाँ पर जो ये ऑटोमेटिक अपग्रेड होने वाला पंगा है 499 के ऊपर जो ऑटोमेटिक अपग्रेड होगा, इसकी टर्म एंड कंडीशंस क्या है, कब अपग्रेड होगा, कब नहीं होगा, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। ये कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान है रिन्यू करना, बस आपको सही तरीका आना चाहिए। और वो सही तरीका है क्या, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। पहली चीज आपको याद रखना है कि आपका प्लान एक्सपायर नहीं होना चाहिए। जो आपने 5 मंथ के लिए बिल पे किया है उसके अभी 10-15 दिन बचे होने चाहिए, तभी आप जो है रिन्यू कर पाएंगे। और आपको SMS भी मिले होंगे कि आपका प्लान खत्म होने वाला है, आप अपने प्लान को रिन्यू करें। तो अगर आप टाइम रहते ही रिन्यू कर लेते हैं तो ठीक है, अगर आपका प्लान एक्सपायर हो गया तो आप रिन्यू नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा बड़ा पॉइंट बन जाता है कि भैया अगर हमारा प्लान एक्सपायर हो गया तब क्या होगा। रिन्यू अगर नहीं कराया तो वाईफाई चलता रहेगा, आपका जो प्लान 199 का है वो ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा 499 के ऊपर। ये है अपग्रेड वाली टर्म एंड कंडीशन, कि अगर आपने समय रहते अपना प्लान रिन्यू नहीं किया तो आपका प्लान चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा 499 के ऊपर, जिसके अंदर आपको जो 50 Mbps की स्पीड मिलने वाली है, सॉरी 40 Mbps मिलेगी उसके अंदर। तो अगर आपको अपना प्लान 199 10 Mbps वाला कंटिन्यू रखना है तो आपको समय से पहले अपने प्लान को रिन्यू करना पड़ेगा। चलिए फटाफट जानते हैं कि आप रिन्यू कैसे करेंगे। आपको अपने फोन के अंदर ओपन करना है क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और यहां पर आएंगे, यहां पर सर्च करना है आपको एयरटेल ब्रॉडबैंड। सर्च करने के बाद यहां पर जो है फर्स्ट नंबर पर देखेंगे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर लोडिंग हो रहा है। अब यहां पर जो है आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, ये लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है आपके वाईफाई के साथ में जो लिंक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर ओटीपी डालना है अपना। ओटीपी डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। एयरटेल की मैं 2 सर्विसेज यूज करता हूं, एक मेरा डीटीएच लगा हुआ है और एक है फाइबर कनेक्शन। तो अगर आप भी एयरटेल की एक से ज्यादा सर्विसेज यूज करते हैं तो यहां पर फाइबर लाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल तरीके से इस पर क्लिक करना है। अगर आप सिर्फ फाइबर यूज करते हैं तो आपको जो है कुछ नहीं करना पड़ेगा, सामने आपके जो है फाइबर डिटेल्स आ जाएंगे। यहां पर नीचे देखेंगे फाइबर दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर सारी जो है मेरे वाईफाई की डिटेल्स आ चुकी हैं, जो मेरा फाइबर कनेक्शन है वो यहां पर दिखा रहा है। और देख सकते हैं यहां पर जो है 14 दिन बचे हुए हैं इस प्लान को खत्म होने में, तो 14 दिन के अंदर अंदर मुझे जो है इस प्लान को रिन्यू करना है। अब यहां पर सिंपल तरीके से आपको रिन्यू करने के लिए आपको करना क्या है, उससे पहले मैं आप लोगों को अपना प्लान दिखा देता हूं। यहां पर देखेंगे, सॉरी, ये है 199 का प्लान 10 Mbps, ठीक है, 5 मंथ। अब ये फिर से जब हम रिन्यू करेंगे तो 5 मंथ के लिए ही रिन्यू होगा, अगले 5 महीने तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कंटिन्यू 5 मंथ चलता रहेगा, बस आपको रिन्यू करना पड़ेगा वन टाइम। यहाँ पर रिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सिंपल तरीके से क्लिक करना है। और यहाँ पर जो है आपको करना क्या है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पर जो है बिल वगैरह या फिर अमाउंट कितना पे करना है वो यहाँ पर कुछ नहीं शो कर रहा है। आपके नंबर के ऊपर एक SMS आया हुआ कुछ इस तरीके का, ये लोग बोल रहे हैं कि आप अपना प्लान रिन्यू करें, कितना पे करना है रिन्यू करने के लिए 1174.09 पैसा इंक्लूडिंग GST, 5 मंथ के लिए ये प्लान होने वाला है, 5 महीने के लिए हमें 1174.09 पैसा पे करना है, 1174.09 अमाउंट डालने के बाद आपको पे बिल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे कि आप किस तरीके से पे करना चाहते हैं, क्रेडिट, डेबिट, या फिर जो है आप यहाँ पर नेट बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पर जो है UPI यूज़ करना चाहते हैं, सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पर UPI सेलेक्ट करता हूँ, गूगल पे। UPI ID डालने के बाद यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे। अभी हमें 5 मिनट के अंदर अपने UPI ऐप के अंदर जाना है और वहाँ पर जो है पेमेंट कंप्लीट कर देनी है, बस इतना सिंपल सा करना है, आपका प्लान जो है वो रिन्यू हो जाएगा अगले 5 मंथ के लिए फिर से।